और फरावत अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल की तरफ से इनामात में से बहुत बड़ी नेमत है। जिस शख्स को सेहत भी हो और फरावत भी हासिल हो उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जो शख्स इन दो नेमतों से मालामाल है उसे चाहिए कि वो अपने रब का शुक्र अदा करे। नेमतानी मक़बूलुन फ़ीमा कसीरुन मिनन्नास, दो नेमतें ऐसी हैं लोग अक्सर उससे गाफिल हैं। अस्सेहतु वल फ़रावत, एक सेहत है और दूसरी फरावत। इंसान दुनिया के अंदर रहते हुए दुनिया का माल दौलत इकट्ठा करने के लिए बहुत तगड़ो करता है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल फरमाते हैं अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया, ये माल दौलत दुनिया की नमूदो नुमाइश है। क़यामत के दिन यौम ला यन्फ़ऊ मालुन वला बनून, क़यामत के दिन ना तुम्हारे माल और ना तुम्हारी औलाद किसी काम आएंगे। वल बाकियात सालिहात खैर, जो तुमने नेक अमल किए होंगे सिर्फ वही तुम्हारे काम आएंगे। खैरुन सवाबुन खैरुन अमला, यही बेहतर है सवाब के एतबार से। अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल फरमाते हैं कि इंसान माल दौलत इकट्ठा करने की हवस में अपने रब को भूल बैठा है और अपने रब से गाफिल है, जबकि उसे चाहिए अगर ये दो नेमतें उसे मिली हुई हैं उसे चाहिए वो अपने रब तआला का शुक्र अदा करे। और सूरतुल आसर में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं फैजा फरावता फंसब, जब तेरे पास फरावत हासिल हो तो खड़ा हो जा। व इला रब्बिका फरगब, और अपने रब की तरफ रगबत इख्तियार कर। मोमिनीन की सिफात अल्लाह ताला ने फरमाई वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह के बंदे वो होते हैं जो अपनी रातों को सजदा और क़याम की हालत में गुजार देते हैं, अपने रब को मनाने की कोशिश किया करते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल ने सर्दियों का मौसम भी हम पर बहुत इनाम किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिन के लिए सर्दियों का मौसम बहार का है, क्योंकि इसके दिन छोटे हुआ करते हैं और रातें लंबा लंबी हुआ करती हैं। इसलिए उसे चाहिए कि वो इन रातों से फ़ायदा उठाते हुए अपने आराम भी करें और अपने रब को मनाने की कोशिश करें।